हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह। आज हम सीएनसी मशीन के पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। पैरामीटर्स होते क्या हैं और कैसे हम उनको सेट करते हैं, फिर हम कुछ पैरामीटर्स को मशीन में प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में पैरामीटर ये बेसिकली सीएनसी पैरामीटर्स की रेंज है। ये जीरो पैरामीटर रेंज एंड सीरीज, 0 to 99 वाले पैरामीटर्स ये सेटिंग के पैरामीटर होते हैं। और 100 से 446 वाले ये हैं RS232C इंटरफेस के पैरामीटर हैं। 1000 की सीरीज है एक्सिस और यूनिट्स, ठीक है। 1200 की सीरीज कोऑर्डिनेट्स की है, जो हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं, जो वैल्यू है वो सब 1200 के थ्रू हमारा कवर होता है। जैसे 1240, 1241 हम पोजीशन बनाते हैं, हम तो 1240 में फर्स्ट रिफरेंस पॉइंट होता है, 1241 में सेकंड रिफरेंस पॉइंट होता है। 1300 की सीरीज होती है स्ट्रोक लिमिट। 1300 की सीरीज में हम ओवर ट्रेवल को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रोक लिमिट मींस ये है कि हम जहाँ पे माइनस में और प्लस में दोनों तरफ एक लिमिट होम पोजीशन से लिमिट दे देते हैं। जहाँ हमने होम पोजीशन बनाई है उससे प्लस में 5 mm दे देते हैं, माइनस में जितना ट्रेवल है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो एक्सीडेंट ना हो, कि मतलब टूल हमारा माइनस या प्लस दोनों तरफ किसी में भी ओवर ट्रेवल ना करे। तो 1300 की सीरीज हम ओवर ट्रेवल कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। 1400 की सीरीज फीड रेट है। फीड रेट का मतलब है कि आपका ड्राई रन रेट, रैपिड फीड रेट, जितने भी आपका फीड रेट है, जैसे हम G0 है। अब G0 का हम यूज करते हैं G0 एक्स वैल्यू और जेड वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कहीं फीड का नाम नहीं है, है ना। तो वो फीड कहाँ से होती है, वो इस 1400 की सीरीज से हम कंट्रोल करेंगे। इसमें फीड का अपना पैरामीटर होगा जिससे हम कंट्रोल करेंगे। ड्राई रन रेट वो भी यहाँ से होता है। मैक्सिमम फीड रेट वो सब हमारा 1400 की सीरीज में होगा, उसकी हम अलग से स्टडी करेंगे। 1600 से 1700 की सीरीज एसिलरेशन डी एसिलरेशन। एसिलरेशन होता है कि हम किसी भी सर्वो मोटर को जब हम चलाते हैं तो वो अपनी जो सेट वैल्यू है वो सेट वैल्यू को गेन करने में कितना टाइम लेती है, तो ये हमारा विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। मान लो हमारा ये ग्राफ है और हमें यहाँ ये सेट वैल्यू है, यहाँ जाना, तो ये जो इस तरीके से यहाँ पे जो इसे अचीव करना है तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये एसेलरेशन होता है। और डी एसेलरेशन होता है जब हम इसे डाउन करते हैं, तो ये हमारा एसेलरेशन है। और DEC ये डी एसिलरेशन है जब हम डाउन आते हैं। डी एसिलरेशन मीन्स सर्वो मोटर जब हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते ही वो अपनी पूरी स्पीड पकड़ने में, जितने पे हम सेट कर रहे हैं सेट वैल्यू है, जो टाइम लगेगा वो एसिलरेशन है। जब हम उसे स्टॉप कर रहे हैं तो वहाँ डी एसिलरेशन है, जो उसका टाइम लगना है। तो उससे क्या है, ग्रेजुअली स्टार्ट और ग्रेजुअली स्टॉप होता है। ये एसिलरेशन डी एसिलरेशन हो गया। 1800 से 2400 की सीरीज है डिजिटल सर्वो की। ये सर्वो सेटिंग में सर्वो ट्यूनिंग, सर्वो सेटिंग और नोमिनेटर डिनोमिनेटर सारा हम इस सीरीज में कवर करते हैं। 3000 की सीरीज DIDO, ये हमारा PMC सेक्शन का है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट के लिए ये सीरीज यूज होती है। 3100 से 3200 CRT MDI एडिट, ये सभी 3100 से 3200 के बीच में इनका जो भी इंफॉर्मेशन है मिलेगी। 3400 की सीरीज प्रोग्राम से रिलेटेड है, जैसे हम जी कोड सिस्टम ABC चलाते हैं तो GSA, GSB, GSC ये 3 सिस्टम होते हैं, तो ये हम इसके लिए पैरामीटर यूज करते हैं 3401, 3401.6 और 3401.7। ये GSB का है और ये GSC का है। अगर ये दोनों 0 हैं तो हमारा जी कोड सिस्टम ए एप्लीकेबल है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये सभी बताऊंगा
पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे है। इसके साथ हमारा चलता है 3600 की सीरीज पिच एरर। पिच एरर में कंपनसेशन हम देते हैं, जो हमारा स्क्रू में एरर आ जाती है उसको कवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। 3700 से 3900 की सीरीज स्पिंडल कंट्रोल है। स्पिंडल में सीरियल, स्पिंडल, स्पिंडल कंट्रोल टोटल हमारा इसमें कवर होता है। और 5000 की सीरीज टूल ऑफसेट की है। ऑफसेट में जैसे हमारा वियर ऑफसेट है, तो वियर की वैल्यू को हमें जो लिमिट हमने दे दी मीटर से, हम इस सीरीज में जो पैरामीटर वियर ऑफसेट का होगा उससे हम लिमिट देंगे, तो उससे ज़्यादा आप वियर ऑफसेट में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, उससे ज़्यादा आप वैल्यू उसमें नहीं भर सकते। उसका मैं एक बार पैरामीटर आपको बता देता हूँ। वियर ऑफसेट का, वियर ऑफसेट का 5013 पैरामीटर। वियर ऑफसेट का पैरामीटर है इस सीरीज में है 5013। अब 5013 में जो वैल्यू हमने भर दी, मान लो 100 भर दी, तो वो 100 माइक्रोन है, 200 है 200 माइक्रोन। तो पैरामीटर की लिमिट, वियर ऑफसेट की वैल्यू देने की लिमिट वो यहां से सेट होगी इस सीरीज में। तो ये 5000 की सीरीज है, ये 5013। 5200 से 5300 की रिजिड टैपिंग, जब हम रिजिड टैपिंग करते हैं, G84 चलाते हैं टैपिंग साइकिल, उसके पैरामीटर्स यहाँ से सेट होते हैं। 5100 सीरीज है कनार साइकिल। कनार साइकिल बहुत फेमस साइकिल है, शॉर्ट साइकिल होती है, प्रोग्राम लेंथ कम होती है। तो ये हमारी 5100 की सीरीज, इसमें G71, 73, 76, 4 सभी इससे कंट्रोल होते हैं। 6000 की सीरीज मैक्रो की है, कस्टम मैक्रो। और 6200 की सीरीज स्किप और मेजर की है, जैसे इसकी फंक्शन एक्टिव कराना है, नॉट एक्टिव है, वो सब यहाँ से कंट्रोल है। 6500 ग्राफिक का है। 6700 की सीरीज टाइमर और काउंटर की है, और टाइमर काउंटर जो भी हमें देना है, जो सेट करना है, वो हम यहाँ से करेंगे। काउंटर से पार्ट काउंट करना है, जो भी वियर के लिए जैसे होता है ना कि हमारी टूल लाइफ निकालनी है जो भी है, तो वो यहाँ से कवर करेंगे। 6800 की सीरीज टूल लाइफ की है। टूल लाइफ में हम दे देते हैं कि टूल, हमारा टूल की लाइफ अमूमन देख लेते हैं इतनी है, तो उसके बाद हमारे पास अलार्म आ जाएगा, वो हम यहाँ से सेट कर देते हैं। 6900 की सीरीज पोजिशन है। 7100 की मैनुअल हैंडल मोड के लिए है। 7200 ऑपरेटर पैनल है। और 8000 की सीरीज एक्सिस कंट्रोल बाई पीएमसी। तो ये पैरामीटर्स की एक रेंज है और सीरीज है, इसमें अलग अलग रेंज के अलग अलग काम किया गया। अब मैं बताता हूँ पैरामीटर्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, पैरामीटर क्या है कि आप जो सीएनसी मशीन की पूरी इंफॉर्मेशन, वो सब पैरामीटर्स के अंदर स्टोर रहती है। जैसे आपने G0 में ट्रेवल करना है, आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो पैरामीटर के थ्रू कवर हो रहा है। कैसे? मान लो हम कोई वैल्यू देते हैं, तो मान लो कंप्यूटर ही है, आप कंप्यूटर समझते हैं। ऐसे ही सीएनसी पीएलसी सब एक जैसे होते हैं, सब में मेमोरी होती है। तो पैरामीटर्स क्या है? मेमोरी के रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जब डाटा स्टोर रहता है, तो डाटा को हम स्टोर करते हैं रजिस्टर्स के अंदर। तो जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, वो एक कहीं ना कहीं रजिस्टर में स्टोर होगी, और जहां स्टोर होगी उसका कोई ना कोई नंबर होगा। तो नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने ये बनाया हुआ है सीरीज, इसी के अंदर नंबर्स हैं। अब हम सीएनसी मशीन पे चल के इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि पैरामीटर्स को मशीन पर देखते कैसे हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, और उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन पैरामीटर का किस तरीके से होता है, टाइप क्या है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिकल जरूर देखें। तो अभी हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल दिखाएं। हाँ फ्रेंड्स, अभी हम प्रैक्टिकली पैरामीटर्स का बताएंगे कि पैरामीटर्स को हम मशीन में देखते कैसे। प्लीज मशीन पर थोड़ा देखें। अब ये सीएनसी मशीन है, फानुक का सिस्टम है, सीरीज OI मेट TC, ये लेटेस्ट में आता है। इसके बाद TD आया है, तो ये भी लेटेस्ट सिस्टम में आता है। अब आप इसको मैं दिखाता हूँ कैसे इसमें हम पैरामीटर्स निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखें प्लीज। सबसे पहले हम पैरामीटर्स को लेने के लिए सिस्टम वाली बटन दबाएंगे। देख रहे सिस्टम लिखा है ना, आप हम इसे दबाएंगे। सिस्टम वाली बटन हमने प्रेस की, तो पैरामीटर सेटिंग वाले यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये पैरामीटर है पी ए
आ रही है, ये हमारी सॉफ्ट की है, इन सॉफ्ट की में से किसी को भी हम प्रेस करें तो ये हमारा जैसे डायग्नोसिस निकालनी है पीएमसी है तो पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर के लिए पैरामीटर के नीचे वाली ये जो सॉफ्ट की है हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, पैरामीटर आ गए। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि पैरामीटर की जो रेंज है जो हमने बताया था, तो पैरामीटर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज अप डाउन को प्रेस करेंगे। पेज डाउन की अब लेंगे तो पैरामीटर ये RS-232 इंटरफेस वाले पैरामीटर्स आ गए, ये सभी RS-232 के हैं। इसके बाद हमारा मिसलिनियस और ये एक्सिस यूनिट पैरामीटर्स हैं। एक्सिस कैसे बनाते हैं हम, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में मैं बताऊंगी एक पैरामीटर जैसे 1201 है तो ये पैरामीटर नंबर है 1202 1203 1204। अब मेरे को ये पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स में जाना है जैसे 1224 1240 1240 पैरामीटर ये है। ये 1240 पैरामीटर फर्स्ट रिफरेंस पॉइंट का है जो हम होम पोजीशन बनाते हैं, और 1241 है सेकंड रिफरेंस पॉइंट का। सेकंड रिफरेंस पॉइंट हम लेते हैं G30 से, G28 फर्स्ट का होता है। अब ये सेकंड रिफरेंस पॉइंट हमारा मशीन ऑन पोजीशन से X में 12 mm माइनस में है और Z में 16 mm माइनस में है। जो वैल्यू दी हुई है ये 12,000 16,000 ये माइक्रोन में वैल्यू दी हुई है, तो mm में 12 और 16 इसका मतलब मशीन ऑन पोजीशन से 12 mm X में माइनस की तरफ हमने G30 का एक नया रिफरेंस पॉइंट बनाया हुआ है। अब ये कैसे चेंज करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, पहले पैरामीटर्स को समझ लो जो मेन पैरामीटर्स हमारे यूज आते हैं। अब ये 1200 की 1300 की सीरीज आ गई। स्ट्रोक लिमिट, स्ट्रोक लिमिट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारी होम पोजीशन है, होम पोजीशन से 1320 नंबर पैरामीटर है ये स्ट्रोक लिमिट बताता है एक्स और जेड की प्लस में, और 1321 बता रहा है एक्स और जेड की माइनस में। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी हमारी पोजीशन निकालते हैं जीरो पे है, अब हम इसे प्लस में चलाते हैं, एक्स को हम प्लस में चलाएंगे, अब देख रहे जा रहा है अभी प्लस, ठीक है, अब देखो अलार्म आ जाएगा, अलार्म शो हो गया। ये अलार्म क्यों आया है, अलार्म शो हो रहा है यहाँ पे, अब इसे हम मैसेज में जाके देखेंगे एक्स प्लस ओवर ट्रेवल 500 नंबर अलार्म आ गया। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमने पैरामीटर में डाली थी ये प्लस की साइड है, तो हमने एक्स को प्लस में पोजीशन में जाके देखेंगे तो प्लस में हमारा एक्स में आ रहा है, और जो वैल्यू आ रही है 4.925 इसलिए आ रही है कि जो वैल्यू वर्कशिफ्ट में हमने वैल्यू दी है तो उस करके वैसे 5 mm। अब हम जेड में देखते हैं, जेड लिया हमने, जेड में हम प्लस में चलते हैं, देखो अलार्म आ गया यहाँ पे शो हो गया, अब अलार्म आ गया, इस अलार्म को हम रीसेट करेंगे फिर हम जाएंगे 5, फिर अलार्म आ गया, देख रहे हो मैसेज में लिखा है 500 अलार्म नंबर 500 ओवर ट्रेवल प्लस जेड, ठीक है, ये हमारा अलार्म आ गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारा ओवर ट्रेवल हमने 5 mm सेट किया हुआ है, ये सॉफ्ट लिमिट है। अब ये अलार्म आ गया तो इस अलार्म को हम यहाँ से रीसेट कर देंगे, ये रीसेट बटन हमने रीसेट कर दिया। अब हम सिस्टम में जाते हैं, अब इसमें जो हमारी रेंज है पैरामीटर की हमारी थी, पैरामीटर कोई भी सर्च करना है, सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं उसका नंबर डालते हैं, जैसे हमने डाला 1320, यहाँ पर नंबर सर्च आ रहा है, हमने लिखा 1320 यहाँ से टाइप किया और हमने नंबर सर्च किया, तो नंबर सर्च हम करेंगे तो 1320 डायग्नोस्टिक जनरल सिस्टम पैरामीटर आ गया 1320 और 1320
21, ठीक है। अब हमें 1815 निकालना है, 1815, 1815 आ गया। ये फर्स्ट रिफरेंस पॉइंट बनाने के लिए होता है, APZ है ना, जो लिखा है APZ, इसको पहले जीरो करना होगा, फिर वन करना होगा, इसको भी हम चेंज करना बताएंगे। अब हम पैरामीटर निकालते हैं 3401, 3401 लिख दिया हमने, इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है। ये हमारा 3400 के आ गया। ये बताता है जी कोड सिस्टम कौन सा चल रहा है, ए चल रहा है, बी चल रहा है या सी चल रहा है। तो अभी बी और सी अगर दोनों जीरो है तो हमारा ए चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम और भी कोई पैरामीटर, जैसे 1851 है, 1851 हमने टाइप कर दिया, इसको सर्च करेंगे तो ये हमारी बैकलेस है। बैकलेस कितनी है, एक्स में 8 और जेड में 6, ये हमने बैकलेस डाली हुई है। इस तरीके से हमारा जैसे वियर ऑफसेट की लिमिट है, वियर ऑफसेट की लिमिट का पैरामीटर होता है ना 5000 की सीरीज में, देखना एक बार, 5000, 5000 की सीरीज में हम जाएंगे, यहाँ पे हमें बैकलेस का पैरामीटर आ जाएगा वियर ऑफसेट का। देखो वियर ऑफसेट मैक्सिमम 5013 लिखा है ना, 5000 वियर। अब हमने कर्सर वाली की, इसको यूज करेंगे नीचे। अब ये 2000 लिखा है, 2000 का मतलब है कि वियर ऑफसेट में हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 mm, बहुत ज़्यादा है, जबकि ये माइक्रोन में होती है, तो 2000 माइक्रोन है, जबकि 100-200 रखते हैं, इसको हम कम करेंगे। अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं, कम करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से जो पैरामीटर्स हैं इनको हम कैसे चेक करते हैं और कैसे हम चेंज करेंगे, तो मैंने चेक करना आपको बताया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेंज करना बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं चेंज करना बताऊंगा, कैसे हम चेंज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।